सामने ये गाड़ी है बेस मॉडल किसका, तो आप बखूबी जानते हैं क्या क्या इसमें डिफरेंस है। मेजर मैं बता देता हूँ, डिलीवरी होने वाली है इसलिए थोड़ी सी खुशी की बात भी है। ये जो भाग है DRL का फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ लाइट जलता हुआ मिल जाएगा, पर ये सामने का जो क्रोम भाग है ना उसमें कोई कटौती नहीं करेंगे, सेम एज इट इज है। ये हॉलो स्ट्रक्चर में ये जो इनका सिग्नेचर है वो आपको मिल जाएगा देखने। वहीं पर नीचे प्रोजेक्टर हेड लैम्प्स है और लैम्प का फोकस भी काफी ज्यादा है, जैसे मैं इस हाथ के थ्रू आपको दिखा देता हूँ, जैसे दूर ज्यादा जाऊंगा तो रिफ्लेक्शन काफी अच्छा आता है। वहीं पर साइड में कुछ इस प्रकार के सिंपल कैप, यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। और जैसे ही घुसते साथ जाएंगे तो यहाँ भी शांत रहेगा, पर यहाँ थोड़ा सा क्रोम इनपुट कराया गया है। और वहीं पर जैसे ये वाला भाग को देखूंगा मैं, तो जैसे ये वाले भाग में एंट्री करेंगे तो सेंटर में ऑफकोर्स आपका लोगो मिल जाता है। फिर ऊपरी भाग जैसे जाएंगे तो यहाँ कुछ बीच में डिस्प्ले है, लेफ्ट और राइट साइड में कुछ इस प्रकार की जानकारी ऑर्बिट मिल जाता है। सबसे पहले बंद करते हैं तो कंजट से दूर हो जाएंगे। कंजट से दूर होने के बाद जैसे चलाऊं मैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में RPM और ये किलोमीटर कितनी गाड़ी चलती है वो दिया हुआ है। ऑफकोर्स बेस मॉडल है, निचला भाग इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, गणेश जी को व्यवस्थित कर दिया गया है। लेफ्ट साइड में डिज़ाइन एलिमेंट पे ये भाग थोड़ा सा शाइनी है, ये ब्राउन कलर है। वही चीज़ अगर अच्छे से देखना है मैं थोड़ा सा रोशनी में बता देता हूँ, तो ये कलर थोड़ा सा आप देख रहे होंगे हल्का सा ब्राउनिश टच है, ये ब्लैक है, ये कंट्रोलिंग के ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये कपड़े में है और ये कपड़े में। पर नोटिस करिएगा ये भाग जैसे आवाज़ से बता रहा हूँ ये प्लास्टिक है, और ये वाला भाग दोनों आपको कपड़े में मिल जाता है, यही सेम चीज़ आपको यहाँ भी मिलेगा। फिर ऑफकोर्स ये मैनुअल में है और कुछ इस प्रकार के आपको लॉक ऑप्शन मिल जाएंगे। नीचे कंट्रोलिंग के लिए AC ऑफ और ये कंट्रोल्स दिए हुए हैं, आप ऊपर और नीचे सेटिंग से व्यवस्थित कर सकते हैं। अब वहीं पर जैसे मैं पीछे जाऊं, हाँ यहाँ पर मैटिंग भी लगाई गई है कुछ इस प्रकार से शोरूम के द्वारा ही, जो एक कप प्लेट में है और ये आई थिंक कभी भी गंदे होते हैं तो वो निकाल के इजी कर देगा और कहीं भी फंसने का गेयर वायर पे चांस नहीं होता क्योंकि उसका डिज़ाइन वैसे ही किया जाता है। पीछे घुसते साथ अब मेजर पॉइंट है तो मैं यहाँ भी बता दूँ, ये है कुछ इस प्रकार के सीट कुशनिंग जो सफिशेंट है, पैर मैं रखा हूँ तो इतना कुछ स्पेस मिल गया, हेड स्पेस भी काफ़ी मुझे ठीक ठाक कुछ इतने डिफरेंस में मिल गया है। और वहीं जैसे ये भाग रोशनी में मैं बता दूँ तो यहाँ पर भी पीछे वैसी है, ये दोनों कपड़े में है, पर ये जो भाग है ना जो ऊपर सेम कलर पे था जो प्लास्टिक में था, इसे पूरी तरीके से ब्लैक में व्यवस्थित कर दिए गए। अब साथ ही साथ पीछे जाके मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये जो है ये सोनेट नहीं है, पहले से ये फ्रॉन्क्स का कुछ ऐसा लुक दिखता है, पर ये हल्का बहुत उस लेंस में उस टच में मिल जाएगा देखने। और इसकी कीमत मेरे सिटी में पड़ रही है लगभग 9 लाख रुपए, जो ये ब्लू कलर जो एक सिग्नेचर कलर है नेक्सा का, उस कलर में से लिया गया है, जिसमें पीछे का कुछ इस प्रकार से बम्फर दिख रहा है। ये पार्किंग सेंसर्स आपको 4 दिए हुए हैं, पीछे का लुक डिज़ाइन ये जलता हुआ नहीं मिलेगा, ऑफकोर्स टॉप मॉडल पर ही आपको व्यवस्थित कराई जाएगी, पर फिर भी इसमें इतना दिया हुआ है जो कि दिन के अगर लाइट नहीं जलती है तो बहुत प्यारा दिखता है। और पीछे से लुक जो कुछ इस प्रकार से गाड़ी का दिख रहा है, ये कर्व डिज़ाइन और इस प्रकार के प्रॉपर सेटअप, विच इज़ रियली अमेजिंग। आपको कितना बेहतर लगा कमेंट डाउन।